लाइन को फॉलो करे, 12% वाला 15% को करे, 15% वाले सिल्वर को करे, सिल्वर वाला प्लेटिनम को, मतलब नीचे से ऊपर बनती है चीजें, ऊपर से नीचे कभी नहीं बनती। जैसे एक फूल है, एक फूल है वो हवा आता है तो भी गिरता नहीं, उड़ता नहीं और खिलता है और अपनी खुशबू को बिखेरता है, लेकिन रास्ते में कुछ धूल पड़ा हुआ है वो उड़ जाता है और उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। ऐसा क्यों है? धूल ने किसी चीज को पकड़ा नहीं है, लेकिन फूल ने पतली टहनियों को पकड़ा है, उसने मोटी टहनियों को पकड़ा है, मोटी टहनियों ने पेड़ को पकड़ा है, पेड़ ने जड़ को पकड़ा है और जड़ ने पृथ्वी को पकड़ा है। तो इसी तरह नीचे से ऊपर पकड़ा जाता है। कई बार क्या होता है कि हम ऊपर से नीचे अगर जाएंगे, पकड़ना शुरू करेंगे, तो नीचे वाला जो ऊपर वाला नीचे आते आते सबसे नीचे बचेगा कौन? 3% वाला आदमी। और 3% वाले के पास उसको पकड़ा हुआ है अगर है, तो कोई उसके पास पकड़ है ही नहीं है, तो पूरा का पूरा काम ही हमारा खराब हो जाएगा। तो यहां कॉमन सेंस से एक बात समझने की है कि हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। जैसे कुछ चीजें मैं बता रहा हूं आपको, बिजनेस को करते हुए डिजिटली वर्क होगा, डिजिटली लोगों को ग्रुप में लाएंगे, एक्शन ग्रुप हम लोग बना रखे हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, मन हम लोगों के ऊपर बहुत हावी हो जाता है। इंसान है हम लोग, कोई परफेक्ट नहीं है, और मन हम लोगों के पास हावी हो जाता है। एक्शन ग्रुप हम लोग बनाए, उसका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द होल पर्पस ऑफ एक्शन ग्रुप? एक्शन ग्रुप का यही पर्पस है कि जो लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं और जो नए लोग आए हैं वो आपस में बंध सके, आपस में एक दूसरे से दोस्ती हो सके। जब उस नए व्यक्ति की एमवे बिजनेस में लोगों के साथ दोस्ती होती है तो बाहर की दुनिया में उसकी दोस्ती तब छूटती है, नहीं तो छूटती नहीं है। अब पॉइंट है कि एक प्लैटिनम, जिसकी प्लैटिनमशिप मेंटेन हो रही है, वो अपना एक ग्रुप लेके चल रहा है। नीचे में किसी सिल्वर को दिमाग में आया कि हम अपना अलग ग्रुप एक बना लेते हैं, और तो उसके नीचे 15% वाला भी अपना एक ग्रुप बनाएगा और एक 12% वाला भी ग्रुप बनाएगा और फिर एक 9% वाला भी अलग ग्रुप बनाएगा और पूरा का पूरा उस ग्रुप की सारी धार ही खत्म हो जाएगी। पॉइंट क्या है कि एक बात ध्यान में रखिएगा जो मुझे इस बिजनेस में बहुत गहरी समझ है, जो मैं समझ पाया हूं, कई बार हम लोग इंसान हैं तो मन में आ जाता है हम अपने अपलाइन से बेहतर हैं। तो मैं आपको बता दूं एज अ अपलाइन कि अगर उसकी टीम में कोई उससे बेहतर आदमी आया है, यही सिम्टम है उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा भाग्य है, उसके लिए सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन एक बात मैं बता सकता हूं आपको अपनी समझ से कि मैं कितना ही होशियार रहूं और अपने अपलाइन से कितना ही बेहतर रहूं, लेकिन मेरा जन्म उसी से हुआ है। अगर एक पिता क्लर्क है और बेटा आईएएस हो जाता है, लेकिन उस आईएएस बेटे की कदर तभी होती है जब वो क्लर्क पिता को भी रिस्पेक्ट करता है, उसके साथ जीता है। आईएएस है इस बात के लिए उसको एहसास नहीं कराता, पिता के लिए तो इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता कि हम क्लर्क रह गए और मेरा बेटा आईएएस हो गया और आज मेरे बेटे की वजह से मेरी पहचान है। That is the best thing. तो कभी भी कोई व्यक्ति ये गलती मत कीजिएगा कि अपना ग्रुप सेपरेट बनाइएगा। हम आपको बता रहे हैं ये छोटी छोटी चीज से इतना नुकसान होगा इस बिजनेस में, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब सिचुएशन आएगी, जैसे मान लीजिए मैं एक प्लैटिनम हूं और मेरे नीचे एक एस्टेब्लिश प्लैटिनम आ गया है और मेरे साइड में भी बिजनेस आ गया और मुझे लगेगा कि अब ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा हो गया है, मजबूत हो गया है, तो मैं उस प्लैटिनम को का एक सेपरेट ग्रुप खुद ही बनाऊंगा। लेकिन मैं बनाऊंगा तब जब सुमित जी से बात करके। और जब भी आप कोई सेपरेट ग्रुप बनाएंगे तो एक बात ध्यान में रखिएगा, आप जिनसे काउंसलिंग करते हैं और जिनसे मेंटरशिप करते हैं उन दोनों को जरूर ऐड कीजिएगा, नहीं तो आपके उस ग्रुप में वैल्यू कौन डालेगा, आपके ग्रुप में आपकी पहचान कौन बनाएगा। जैसे सुमित जी सिल्वर एंड अप ग्रुप में है, ऑर्गेनाइजेशन में है, तो मैं उनको अगर रिस्पेक्ट करता हूं, वैल्यू देता हूं, तो इसमें लाभ मेरा है। अगर एक व्यक्ति दीपक जी को, अनिल जी को एक लीडर वैल्यू देता है, तो उसमें उनका कोई लाभ नहीं है, लाभ हमारा ही है, क्योंकि जब हम वैल्यू देंगे तभी वो वैल्यू को रिटर्न हमको करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात?
क्योंकि एडिफिकेशन कोई भी व्यक्ति खुद अपना नहीं कर सकता है, ये बिजनेस पूरा टीम वर्क का है। अब डिजिटल बिजनेस होने से वर्किंग तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन हमें टीम को बांध के रखना पड़ेगा। और नॉलेज बहुत आएगा, बहुत लोग बहुत नॉलेज देंगे, और मैं आपको बता दूं क्रॉस लाइन जो है ना वो एक बार आकर्षित बहुत लगता है, लेकिन ईश्वर के कृपा से आज इतने सालों की तपस्या के बाद, हम सब की तपस्या के बाद, हम लोग की फेवर में हिंदुस्तान में जबरदस्त आज माहौल है। सुमित जी अनडाउटेडली उनको लेकर के ये माना जाता है, सभी लोग जिस तरह रिस्पेक्ट करते हैं कि इज अ नंबर वन लीडर, और सुमित जी आज हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन से सबसे ज्यादा करीब है, सबसे ज्यादा लगाव है हम लोग की ऑर्गेनाइजेशन से। आज आप सब के बारे में अक्सर पूछते रहते हैं और बोलते हैं मनोज जी जितना आनंद आप लोग की ऑर्गेनाइजेशन से आता है हम क्या बताएं आपको। तो आज सुमित जी का पूरा इंडिया में ओहरा है, और हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा, एक छोटी तालाब जो है ना, एकदम छोटा तालाब है, अगर मान लीजिए एक ड्रम में पानी है और वो ड्रम का पानी बड़े ड्रम के पानी से मिल जाता है तो वो छोटा ड्रम भी बड़ा ड्रम हो जाता है, वो बड़ा ड्रम का पानी छोटे तालाब से मिल जाता है तो वो भी बड़ा तालाब हो जाता है, एक बड़ा तालाब और छोटा तालाब बड़े तालाब से मिलता है तो वो भी बड़ा तालाब हो जाता है, एक तालाब नदी से मिल जाता है तो वो स्वयं नदी हो जाता है, और एक नदी समुद्र से मिल जाता है। तो समुद्र का फायदा नहीं है, फायदा उस नदी का है। यही समझने की चीज है कि इस बिजनेस में काउंसलिंग करके, डिस्कशन करके, ग्रुप्स बनाने हैं, अलग अलग चीजें करनी है, अपने मन से कुछ भी करने का मतलब है कि एक बात ध्यान में रखिएगा, एक पत्ता पेड़ से लगा रहता है तो हवा आने के बाद भी उसका अस्तित्व उस पेड़ से बचा रहता है, लेकिन जहां वो अलग हुआ और हवा चली वो कहां जाकर के धुनाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इस बिजनेस में मनोज अग्रवाल मैजिक नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन मैजिक है, बहादुर टीम ऑर्गेनाइजेशन में मैजिक है। मनोज अग्रवाल की कीमत एक छिलके के बराबर है, मैं बता रहा हूं केले के छिलके के बराबर है। संगठन में ताकत है, क्रॉसलाइन अट्रैक्टिव बहुत लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है, हमको पता है, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा क्रॉसलाइन से, मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसका आपके बिजनेस में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, नथिंग। हर एलओएस का, बड़े एलओएस का कुछ अपने ढंग से काम करने का अंदाज है, तो अपने क्रॉस लाइन से बच के रहिए, जितनी एक लिमिटेशन है उतना रहिए, और किसी भी मीटिंग में किसी को प्रमोट मत कीजिए। जैसे कल का मैं एक एग्जांपल बताता हूं, आज जो मैं मीटिंग कर रहा हूं सुबह मैंने 11 बजे रखा था, लेकिन जब सुमित जी की मीटिंग आ गई तो मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया। आज शाम को जब मैं रख रहा था तो अमिताभ जी की मीटिंग स्टैब्लिश थी तो अमिताभ जी ने मीटिंग पोस्टपोन कर दिया। जब भी आपकी अपलाइन की मीटिंग हो आप पोस्टपोन करके अपलाइन की मीटिंग में जाइए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से आपका ग्रुप एजुकेट होगा, हमारे बोलने से ग्रुप एजुकेट नहीं होता है, हम क्या करके दिखाते हैं ग्रुप को उससे ग्रुप एजुकेट होता है। जब मैं पहले बिजनेस बिल्ड कर रहा था और एमरल्ड हो गया था और मेरे अपलाइन कुछ एक्टिव थे, कई पुराने लोग जानते हैं, मैंने जीवन में उनको कभी फील नहीं होने दिया कि मैं एमरल्ड हूं और आप प्लेटिनम हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर संगठन में है, पिन में पावर नहीं है। तो अपनी भावना को शुद्ध रखिए और जो भी कुछ करना है डिस्कस करके कीजिए। हम सब चाहते हैं हर किसी का बड़ा ग्रुप हो, और एक दिन आप सबके पास 6 ग्रुप हो, 6 एक्शन ग्रुप हो और 6 ग्रुप में प्लेटिनम हो, लेकिन यह स्टेप बाय स्टेज होगा। और क्रॉस लाइन से अपनी टीम को प्रोटेक्ट कीजिए, जितनी मीटिंग्स में बता रहा हूं उतना ही प्रमोट कीजिए, हर चीजें ग्रुप में मत डालिए और ग्रुप की क्वालिटी बनाइए। अगर एक्शन ग्रुप में कोई नया आदमी आप ऐड कर रहे हैं और उसका वेलकम नहीं किए तो कोई फायदा नहीं है, संभव हो उसका फोटो लिख करके डालिए, फोटो लेकर के डालिए और फिर वेलकम कीजिए। जब तक उसको 8-10 लोग वेलकम करते हैं तब वो बंदा कनेक्ट होता है, उसको अच्छी फीलिंग आती है। और पॉइंट है कि अगर एक प्लैटिनम के ग्रुप के 4 लेग के लोग हैं उसमें, तो आपकी लेग का अगर आदमी उसमें डाले हैं उसको वेलकम करने भूल गए तो कोई बात नहीं है, दूसरे ने डाला है तो जरूर डालिए, उसमें कहीं भी इस तरह का विचार मत रखिए, सब मिलके काम कीजिए और यूनिफॉर्मिटी रहिए। हमको सुमित जी जो बताएंगे मैं वही चीज लेके चलूंगा, उसमें पॉइंट एक बाल के बराबर भी बदलाव नहीं आएगा।
क्योंकि सुमित जी ने कुछ बताया, मैंने उसको कुछ बदल दिया, फिर मेरे नीचे अनिल जी ने कुछ बदल दिया, फिर दीपक जी ने कुछ बदल दिया, फिर उसके नीचे वाले ने बदल दिया। अब सुमित जी कुछ बताएंगे और हम लोग सब 6 लोगों ने मिलकर के नीचे बदल दिया है, तो नीचे वाला आदमी क्या समझेगा, वो रिलेट कर पाएगा, वो बिल्कुल पूरी तरह कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ एक बात जरूर है, आपको कोई नया आइडियाज मिलता है, कोई चीज ऐसी समझ में आती है जिससे ग्रोथ होगी, तो जरूर अपने अपलाइन को फीडबैक दीजिए। जैसे सपोज कीजिए मनीष जी ने फीडबैक दिया डॉक्टर बीके जी को, उन्होंने दिया डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब ने दिया दीपक जी को, दीपक जी ने दिया अनिल जी को, अनिल ने दिया मेरे को, और अगर उसकी जरूरत हुई तो मैं सुमित जी को फीडबैक दूंगा, क्योंकि हम सब ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। हमें एक दूसरे को, किसी को दुनिया में हराना नहीं है, हमको सब साथ में मिलके जीतना है। हम सब एक कश्ती में सवार हैं, तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखने रखिए, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखिए, बहुत इंफॉर्मेशन पास मत कीजिए, और एक ही चीज है जो अब इस बिजनेस में काम करेगा, आज लिख लीजिए आप कागज में मेरी बात। कल हमारी और सुमित जी की आधे घंटे तक बात हुई है, 7:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक, और हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि बिजनेस में अब क्या चीज इफेक्टिव है। पहले हम लोग बिजनेस में एक एक चीज ABCD सारा पढ़ाते थे, सिखाते थे, समझाते थे, अब उसकी जरूरत नहीं रह गई है। अब जरूरत एक ही चीज में रह गई है कि जो भी ABO काम करने आ रहा है उसकी लाइफ में वैल्यूएट करें। जैसे पहले के जमाने में 40 साल पहले बच्चा एकदम पेरेंट्स की नजर में रहता था, तो उसके पास नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं आता था, नेगेटिव लोग नहीं आसानी से आ पाते थे। लेकिन अब आज की दुनिया ऐसी है कि अगर मेरा बच्चा है मेरा घर में, आपका बच्चा है, तो आप कितना ही उसको कर लेंगे, उसकी जिंदगी में नेगेटिव इंफॉर्मेशन आएंगे, नेगेटिव लोग भी आएंगे। तो अब हमारी कंट्रोल में क्या है, हमारी कंट्रोल में है कि हम उसकी लाइफ में इतनी वैल्यू एड करें कि उसका विवेक डेवलप हो जाए, कि वो फैसला ले सके क्या सही है और क्या गलत है। इस बिजनेस में यही टीचिंग अब सबसे ज्यादा काम करेगी। हमने 6 तारीख के सेशन में बताया था, पूरे जीवन की लड़ाई एक ही चीज है, और वो कहते हैं मन और विवेक। इन्हीं दोनों का द्वंद हमारे अंदर चलता है। जब हम मन से जीते हैं तो जीवन के लिए क्या अच्छा है, क्या खराब है, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, हम मन के हिसाब से गवर्न होकर के नेगेटिव लोग, नेगेटिव इंफॉर्मेशन को एसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब विवेक स्ट्रांग होता है बहुत ज्यादा, तो हम ये समझ पाते हैं कि मेरे जिंदगी के लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। दुनिया में बहुत लोग हमें लालच देंगे, लालच से अट्रैक्ट करते हैं। पिछले 20 सालों में हमको भी बहुत लोगों ने लालच देके अट्रैक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि हर व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति को तलाशता है जिसका संसार में इस्तेमाल करके अपना फायदा उठा सके, और लालच इस हिसाब से देता है कि फंसने के बाद समझ में आता है। अगर उससे बचना है तो अपने जीवन का कोई सत्य ढूंढना पड़ेगा, अपने जीवन में कुछ पकड़ना पड़ेगा। हम किस चीज को पकड़ के जी रहे हैं, जैसे मैंने इस बिजनेस में लाइफ को पकड़ लिया था, कितने भी लालच आए, किसी ने कुछ घुमाया मुझे, मैं किसी का शिकार हो ही नहीं सकता। ब्रह्मांड की आधी दौलत रख देगा तो मुझे नहीं शिकार कर सकता, क्योंकि मैंने अपना सत्य पकड़ा हुआ है। हमें भी पकड़ना पड़ेगा सत्य को, हम क्यों इस बिजनेस को कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा पर्पस क्या है। अगर आप अपना पर्पस और इस देश को स्ट्रांग नहीं करेंगे और अपने विवेक को नहीं बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा मन ही हमारा शिकार कर लेगा, क्योंकि मन जो है, सारे खेल की लड़ाई हमारा मन है, और कुछ चक्कर है ही नहीं है, इसी से दोस्तों निपटना है, और लाइफ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमें जो ट्रेनिंग करनी है, इसलिए मैं ज्यादातर ट्रेनिंग करूंगा, सुमित जी करेंगे और आपको भी करना है, तो वैल्यूज की बात करनी है, लाइफ की थोड़ी बात करनी है। बिजनेस है, काम है, सब कुछ है, वो तो होगा, ठीक है। दोस्तों एक बात ध्यान में रखिएगा, इस बिजनेस को डायमंड जाने के लिए क्या करना पड़ता है, 6 लेग की डेप्थ बिल्ड करनी है। 6 लेग की डेप्थ को हम बिल्ड तभी कर पाएंगे, पहले अपनी डेप्थ को बिल्ड करना पड़ेगा। हम अपनी डेप्थ को बिल्ड करेंगे तभी लोगों की डेप्थ को बिल्ड कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक होता है कामयाबी और एक होती है लाइफ। हो सकता है किसी की कामयाबी का डेप्थ 5,000 फीट हो, लेकिन लाइफ का डेप्थ 5 ही फीट हो, तो वो आदमी जिंदगी में तो कामयाब है लेकिन लाइफ में कामयाब नहीं है।
अब जैसे तुलसीदास जी 5,000 फीट की लाइफ की गहराई में जाकर के उन्होंने रामायण लिखा, एक दूसरे राइटर ने बहुत बढ़िया किताब लिखी लाइफ से रिलेटेड, लेकिन 2000 फीट पहले खुद गया अपनी जीवन की गहराई में और उस गहराई में पहुंच करके उसने वो किताब लिखी। सुमित जी 1500 फीट गहराई में गए और किसी बात को बोले। अब हमने तीनों चीजों को ले लिया, रामायण की बात भी ली, उस राइटर की भी ली, सुमित जी की भी ली, और अगर हम सेम टू सेम वही बात डिलीवर कर रहे हैं जो तुलसीदास जी ने और राइटर ने और सुमित जी डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन मेरी गहराई, मेरी लाइफ की डेप्थ अगर 20 फीट है तो मेरा लोगों पे जो असर होगा वो 20 फीट वाला होगा। बात एक ही होती है, जिस व्यक्ति की जितनी गहराई है उतनी गहरी असर लोगों को करती है। तो हमेशा अपनी गहराई बढ़ाने पे काम कीजिए, अपनी डेप्थ को बिल्ड कीजिए। इस बिजनेस का पूरा आंदोलन अपने ही ऊपर है लड़ाई, और हमेशा नोट्स बनाइए और कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए, और कहीं भी हमको क्या अच्छा लग रहा है और क्या बुरा लग रहा है इसका शिकार मत होइए। ऑलवेज फीलिंग हम लोगों को मिसलीड करता है, करते करते मन में आ जाता है ऐसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे, ये अच्छा लग रहा है, इसको मत देखिए, ये देखिए मेरी ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है। कम बोलिए, कम बोल करके ज्यादा बोलना है। एक लीडर जो है कि सबसे बड़ी खासियत होती है वो कड़वी बात को भी बड़ी मीठे अंदाज में बोल जाता है और लोगों को बुरा नहीं लगता, और एक व्यक्ति मीठी चीज को भी कड़वा बना के बोल देता है। तो काम अपने पे करना है, बात तो वही थी लेकिन मेरी जितनी डेप्थ थी मैंने उसी डेप्थ के हिसाब से काम कर लिया। अब दोस्तों सिचुएशन तो ऐसी आ गई है लाइफ में कि बाल मैं छोटा छोटा रखता हूं, बाल भी नहीं कटवा पा रहा हूं, ठीक है। आज इस चुनौती में अच्छे अच्छे लोगों को बहुत कुछ समझ में आ रहा है, बहुत लोग बदलने का निर्णय लेंगे, दिस इज द राइट टाइम टू अप्रोच पीपल। लेकिन बताइए कि हमको अंदाज था कि जीवन में कभी कुछ इस तरह का आ सकता है तो एक कुआं और खोद रहे थे। लोगों को प्यार कीजिए, और बहुत लोग अब इंतजार कर रहे हैं, लोगों का माइंड बहुत चेंज हो चुका है। अपना बिजनेस एटीट्यूड रखिए, और मैं आपको बता रहा हूं अगर ऐसा लगता भी है कभी जिंदगी में, कभी लगता है ऐसा कि मेरा अपलाइन मेरे आगे कुछ भी नहीं है या अपलाइन में कमी है, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं आप अपने अंदर ये भावना रखिए, अच्छी भावना रखिए, आपका अपलाइन आपकी भावना से और बेटर हो जाएगा, और आपकी वजह से अपलाइन भी अगर ग्रो कर जाता है, अगर आपको लगता है, तो जो स्ट्रांग लीडर होता है वो अपना अपनी टीम के साथ अपलाइन का बिजनेस भी बढ़ा लेता है। मैंने देखा इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए कई बार हमारे मन जब हम पे हावी हो जाता है तो हमें अपलाइन के साथ कंपटीशन आ जाता है। आज सुमित जी मुझे कहीं भी कोई काम जिम्मा दे देंगे बहादुर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आई विल डू दैट। हम कानपुर 2 बार गए थे, हम संगीता बीबीएस करने के लिए, बाकी करने के लिए, उन्होंने वहां पर डॉक्टर संजीव सूर्य उनके साथ मीटिंग हमारी कराई, हमने सारी मीटिंग को छोड़कर पहले उनको टाइम दिया। दोस्तों इस बिजनेस में अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग सबसे जरूरी है, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग बहुत जरूरी है। अगर हम डीआईजी आईजी कुछ भी हो, हमारे पिता क्लर्क भी हैं, तो उनकी ब्लेसिंग बहुत काम आती है। और मैं आपको बता रहा हूं जब आप ग्रो करेंगे तो वही अपलाइन सबसे ज्यादा खुश होता है। उसको कभी छोटा मत समझिए, उसके साथ कंपटीशन मत कीजिए, उसके साथ बंध के जीना सीखिए। ये जो विचार कभी भी किसी को आ रहा है तो अपने अपने स्वयं का आता है, हमने इसको जिया है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि डाउनलाइन का पिन बड़ा हो गया और अपलाइन का छोटा है। ये सैकड़ों एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं उस अपलाइन को आप साथ में लेके चलेंगे, उस अपलाइन से 10 गुना ज्यादा फायदा आपको होगा। आप करके देखिए, इसी से आपका मान सम्मान बनता है। सुरेश अग्रवाल हैं, डायमंड हो रहे हैं ये साल, वो अपने स्पॉन्सर को इतना रिस्पेक्ट करते हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं जिसकी चारों तरफ चर्चा होती है, इसी को वैल्यूज कहते हैं। जीवन के प्रति दोस्तों संवेदनशील रहिए, जीवन के प्रति संवेदनशील नहीं रहेंगे तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं बनेगा। और कहीं किसी ग्रुप में ताका झाकी मत कीजिए, सबसे डिस्टेंस बना के रखिए, ज्यादा मीटिंग्स को प्रमोट मत कीजिए, ज्यादा लिंक्स को प्रमोट मत कीजिए, एकदम मत कीजिए, ठीक है। कुछ छोटे छोटे चीज हैं,
पोजीशन से लीड मत कीजिए लोगों को, नेवर ट्राई टू लीड पीपल बाय पोजीशन। जो डायमंड है या एमराल्ड है ये भी वर्चुअल आइडेंटिटी है, ये ट्रू आइडेंटिटी नहीं है हमारी। हमारी ट्रू आइडेंटिटी आदमी की ही है। जब हम वर्चुअल आइडेंटिटी को अपनी आइडेंटिटी मान लेते हैं तभी हमारी ग्रोथ होती है। मेक इट श्योर, बिजनेस का सेंस रखिए, बिजनेस एटीट्यूड रखिए और एक ही दिमाग में रखिए कि कम से कम मुझे 10,000 लोगों का रिलेशनशिप का डाटा बनाना है, डाटा क्रिएट करना है। उसमें से हमें 200-400 लोग कंज्यूमर पैदा करने हैं। अब उस कंज्यूमर से अपने आप बिल्डर निकल आएंगे। अब बिजनेस बिल्डर की जरूरत नहीं है ज्यादा, अब तो डाटा तैयार करना है, रिलेशनशिप बनाना है, वहां से कन्वर्ट करके कंज्यूमर में लाना है। 10-15 कंज्यूमर वाला जमाना चला गया, अब 100 कंज्यूमर चाहिए और कंज्यूमर का दिल जीतिए। आने वाले समय में लोग अच्छे लोगों के साथ जिंदगी जीने के लिए तड़पेंगे, मैं बता रहा हूं आपको। मैं अपनी गहराई से जब लोगों को बताता हूं ना, खाली एक लाइन बात ये बताता हूं, बात करते करते खाली ये पूछ लेता हूं कि बताऊं भैया जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो हर व्यक्ति के जीवन में हर परिवार में वो पूछता क्या है। मैं बात कर रहा हूं किसी और टॉपिक पे, अपने फ्लोर मिल के बिजनेस में खाली चर्चा ये कर देता हूं। हम वो काम मैं उससे पूछता हूं कि आप ही मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। एक काम मुझे करने में अच्छा लगता है वो, या जो मेरे जीवन के लिए अच्छा है वो एक मिनट सोचता और बोलता है बड़ा कॉमन सेंस की बात है, जो जीवन के लिए अच्छा है वो करना चाहिए। तो मैं बोलता हूं वो करने में अच्छा नहीं लगता है ना, मुश्किल तो ये है। बोला नहीं, करना तो वही चाहिए। हमने बोला यही मुसीबत है लाइफ में, ये जो अच्छा हमको लगता है और नहीं लगता है यही मन है, इसी मन का मालिक बनना है। यही मन सबको ध्वस्त कर देता है। मन के आधार पे जब भी रिश्ते बनते हैं दुनिया में, मन के आधार पे वो कभी भी परमानेंट नहीं होंगे। अगर मेरा किसी के साथ, पड़ोसी के साथ मन का रिश्ता है, रोज बैठ के गप मारते हैं पीते हैं, लेकिन रिश्ता मन का है, अब दोनों बाइक से चलते हैं, वो अगर गाड़ी खरीद लिया तो मेरा मन दुखी हो जाएगा। मन हमेशा अलग अलग होता है, मन में मन से एक से दो हो जाते हैं। गॉट माई पॉइंट? मन के कारण एक से दो हो जाते हैं, और मैं इतना डिस्टर्ब हो जाऊंगा कि हमारे रिश्ते अनइजी हो जाएंगे। दुनिया में सारे रिश्ते मन के बनते हैं, लेकिन जब जीवन का रिश्ता होता है और वो आदमी गाड़ी खरीद लिया और मैं बाइक पे रह गया, तो उससे ज्यादा मुझे खुशी होगी, क्योंकि जीवन के संबंध में दो नहीं होते हैं, एक ही होते हैं। जीवन के संबंध जहां होते हैं वहां दो आदमी होते ही नहीं, एक ही होते हैं। मन जहां होता है वहां एक से दो होते हैं। फिर जो दो हो गए, जैसे मैं बता रहा हूं पूरी सृष्टि एक है, फिर उसका पृथ्वी है, फिर पृथ्वी में इतने देश हैं, फिर हिंदुस्तान एक देश है, उसमें इतने स्टेट हैं, एक से अनेक हो रहे हैं, ये मन है, ये संसार है, और अनेक से एक हो रहे हैं, ये जीवन है। हम इस बिजनेस में अनेक से एक की तरफ जा रहे हैं। आप को कोई नुकसान पहुंचाए ना कुछ भी करे, आप हमेशा लोगों का अच्छा कीजिए, देखिए उसकी ब्लेसिंग और उसके रिवॉर्ड आपको कितने मिलेंगे। कभी ये प्रेशर मत रखिए कि अच्छी चीज है हम उसको दें ना दें। अगर मैं भी ये चीज रखूंगा तो मेरे ऊपर तनाव और प्रेशर हो जाएगा। किसी का जीवन, अगर हमने अच्छी कोई बात बताई, किसी का भी जीवन का भला हुआ, हुआ ना किसी का अच्छा? That makes sense. इंसान अपना शिकार खुद ही हो जाता है, कहीं बाहर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अपना है। अपनी हैबिट को बदलना पड़ेगा, जो ग्रोथ के लिए जरूरी है वो करना पड़ेगा। अब मीटिंग में प्लान दिखाने में बहुत अच्छा लगता है, मीटिंग में जाने में अच्छा लगता है, किसी के घर पे जाके चाय पी करके बातचीत करने में अच्छा लगता है, लेकिन बैठ करके पीवी करने में, कंप्यूटर पे पीवी का डाटा बनाने में अच्छा नहीं लगता है। जब ग्रोथ करते हैं तो क्या अच्छा लगता है क्या खराब लगता है इससे कोई मतलब नहीं होता। जो इससे उपरत हो जाता है वही वर्ल्ड क्लास आदमी होता है, उसको अपने अच्छे खराब से मतलब ही नहीं है। एक बार मैं छोटे बच्चे से पूछ रहा था 13 साल में यही बात, तो उसने बोला कि मैंने पूछा कौन सा काम करना चाहिए, जो अच्छा लगता है वो या जिंदगी के लिए ग्रोथ के लिए जरूरी है। उसने जो ग्रोथ के लिए जरूरी है वो करना चाहिए। मैंने बोला वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो बोला
बोला उसको करेंगे ना तो करने के बाद वो अच्छा लगने लगेगा। आप करके देखिए, आप देखिए जूम पे कितना भारी लग रहा था सबको, आना लग रहा था ना, कौन बवाल है इतना बड़ा बवाल, जैसे चल रहा था वैसे ठीक है, अब कितना अच्छा लगने लगा जूम पे सबको। जब भी हैबिट चेंज होगी इंसान रिएक्ट करता है, और एक वर्ल्ड क्लास आदमी खाली हैबिट को चेंज करता है। तो मैं यही बताऊंगा कि बिजनेस बहुत सिंपल हो गया, इजी हो गया, आसान हो गया, लेकिन हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट रखना है, उसमें वैल्यूज डालनी है और नीचे से ऊपर जुड़ना है। जैसे अखिलेश जी के नीचे अमित अर्चना जी है, तो दे शुड बाउंड टू अखिलेश जी, अखिलेश शुड बी बाउंड अभिषेक, अभिषेक मेरी तरफ बाउंड है और मैं समी जी की तरफ बाउंड हूं, ठीक है, और सुमी जी धरती को पकड़े हुए हैं, तब ये काम पक्का होता है। और जो नीचे में एकदम आदमी आता है उसको एक ही बात अच्छी लगती है कि ऊपर में मेरे छह लोग हैं लेकिन छह कितना अलाइन है, छह में कितनी जबरदस्त ट्यूनिंग है। वो देखते हैं घर में दो भाई है उनमें ट्यूनिंग नहीं होती, बाप बेटे में ट्यूनिंग नहीं है, और यहाँ छह रिश्तेदार नहीं, नातेदार नहीं, लेकिन ये छह के छह अपलाइन कितनी ट्यूनिंग है। यही चीज तो काम करता है बिजनेस में। जब हम छह का वर्जन एक होगा, और ये होगा तभी जब नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो नहीं होगा। हमको अंदाज है, कई बार मन में आता है छोटा छोटा ग्रुप बना ले, आपको केवल ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाना है, एक्शन ग्रुप कभी भी मत बनाइएगा, बिना अपलाइन से समझे, बिना मेरे से समझे। जब आपकी सिचुएशन होगी तो जरूर बनेगा, और बन करके आपका छह एक्शन ग्रुप बने, यही डायमंड जाने का कहानी है, लेकिन वक्त के पहले बना के आपका नुकसान होगा, आपकी अपलाइन का नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका बहुत छोटा ग्रुप है और आपने तीन लोगों को शामिल किया और उसमें रिस्पॉन्स करने वाले दो ही लोग हैं, तो उसमें से रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक मंदिर में 10 लोग आरती कर रहे हैं और आप नए आदमी को ले जाते हैं, एक मंदिर में 100 लोग आरती कर रहे हैं वहां ले जाते हैं, कहां प्रभाव पड़ेगा उसका? छोटा ग्रुप एक्शन ग्रुप अगर होगा तो उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्लियर हो रही मेरी बात? और जैसा मैंने बताया, और कभी भी काउंसलिंग करने में मत हिचकिए। मैं आपको ओपनली, जितने भी लोग हैं, मैं चैट करने में बहुत कंफर्टेबल हूं, आप मेरे से चैट कर सकते हैं, अपने लीडर्स के साथ, अपने प्लैटिनम के साथ चैट कीजिए, और अपने मन से काम मत कीजिए, अपने मन का मत कीजिए, मन से ही बस पूरा खेल एक ही है। मैंने 6 तारीख को जो टॉपिक कवर किया था, उस टॉपिक का एक ही शीर्षक था, हाउ टू बिकम मास्टर ऑफ आवर ओन माइंड। हम अपने माइंड के स्लेव हो जाते हैं। जो मास्टर होता है वही वर्ल्ड क्लास है। हम वही एक ही ढर्रे पे चलते हैं, एक ही पैटर्न पे चलते रहते हैं। सोचना है हमें, आधा घंटा काम करने के बाद सोचना भी है, और आपस में बाउंडिंग बढ़ाइए। अगर सुमित जी से लेकर के नीचे 10वां आदमी तक सब एक साथ अलाइन है, मैं दावा से बता रहा हूं 11वां आदमी जो आएगा ना वो पागल हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि सबकी तपस्या से, सबकी मेहनत से, हम लोग आज के 3-4 साल पहले एमवे की दुनिया में एक कोने में पड़े हुए थे, हम लोगों की कोई पूछ नहीं थी। आज पूरा हिंदुस्तान बनारस से हम लोग की ऑर्गेनाइजेशन से को लेके बहुत एक्साइटेड है। हम लोग की ऑर्गेनाइजेशन में लाइफ की ग्रोथ है, हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में लाइफ की वैल्यूज है, हमें इसे और बढ़ाना है और लोगों को जिंदगी दिखाइए। आज जैसे मैंने एक बात क्लियरिटी आई, जैसे नए लोगों को एक लाइन में कुछ बताना है रिलेशनशिप बनाने के लिए, एक लाइन में, लेकिन होता क्या है ना, हम पहले जी के बात करेंगे ना तो बहुत असर करता है। जीवन जो है वो लक्ष्य है, बाकी सारी चीजें जो है जीवन के साधन है। गाड़ी लक्ष्य है कि साधन है जीवन के लिए? साधन है ना। घर क्या है? साधन है, जीवन के लिए है। हमारी जिंदगी की मुसीबत यही है, जो जीवन के साधन है हम उसको जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं और जीवन को साधन बना लेते हैं। आगे बात समझ में? अब ये वैल्यूज के साथ लोगों से मिलेंगे और उसको जिएंगे। जीना बहुत जरूरी है,
व्हाट डिफरेंस एमवे बिजनेस और बाहर की दुनिया में डिफरेंस क्या है? बाहर की दुनिया में अच्छी अच्छी बातें करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन एमवे बिजनेस में हमें जीना पड़ेगा और जीने से आनंद आता है। और हम जब जिएंगे तो सबसे पहला फर्क हमारे घर पे आएगा। जो घर में चैलेंज होता है फैमिली लाइफ में, वो इसलिए होता है कि जो घर का गार्जियन है वो जीता नहीं है, बोलता है। बोल करके लीडरशिप करना वो बाहर वाला पॉलिटिक्स वाला लीडरशिप है। हम लोग के बिजनेस की लीडरशिप जो है वो जी के दिखाना है, अपने जीवन में लाना है। और मैं आज आपको जो चीजें बताया उसको उसी तरीके से कीजिए। जो भी मीटिंग में आए ड्रेस कोड में आइए, ठीक है, एक सिस्टम के साथ बैठ करके प्लगिंग होइए। आज चूंकि हम लोग लीडर्स लोग बात कर रहे हैं इसलिए ठीक है, लेकिन फिर भी बनियान में नहीं होना चाहिए, हाफ पैंट में कतई नहीं होना चाहिए। आज टाई की जरूरत नहीं थी, लेकिन ओपन मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो हमेशा टाई लगा के अटेंड कीजिए, आपकी फीलिंग बदल जाती है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, लीड कीजिए लोगों को उनका दिल जीत करके, ठीक है। बोलूंगा गॉड हमें हमेशा इस बिजनेस में टेस्ट करेगा, हमेशा टेस्ट करेगा हमको। गॉड हमेशा ये टेस्ट करेगा कि हम माइंड से ऊपर हो गए हैं कि नहीं, अपने मन से ऊपर आए हैं कि नहीं आए हैं, इसका टेस्टिंग हमेशा करेगा भगवान। वो ऐसी सिचुएशन ला करके रख देगा कि पता चल जाएगा कि मन हमको लीड कर रहा है कि हम मन को लीड कर रहे हैं, हमारे कैरेक्टर का टेस्ट करेगा। जब कैरेक्टर स्ट्रांग होता है, हमारे अंदर की ग्रोथ होती है, तो बाहर की दुनिया में हमको चालाक लोग ट्रैप नहीं कर सकते। मुझे अभी 1.5 साल पहले एक चालाक आदमी ने ट्रैप करने की कोशिश की, इतना बड़ा लालच वो दे रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। और लास्ट में उसने बोला आखिर यार पैसा ही तो कमाना है। मैंने उसको 4 बोतल जूस दिया, बोला अब घर जाओ, अपनी पति पत्नी सब बच्चों को पिलाओ, तुमको जिंदगी में अभी पैसा ही समझ में आया है और जिंदगी के मायने कुछ समझ में नहीं आएगा, वो पैसा किसी काम का नहीं आएगा। मेरे जीवन का आप लोग सपना है, मेरा ड्रीम आप सब हैं, और मैं चाहता हूं आप सबसे हमारी पहचान बने। आपको जब जहां जितनी जरूरत होगी हम हैं आपके साथ में। मेरा घर जो है उसका वारिस मेरे बच्चे हैं, लेकिन मेरे पास जो विजडम है उसके वारिस मेरे बच्चे भी हैं और आप भी। मेरे पास जो भी है वो सब ले लीजिए, कैसे लेना है वो कनेक्ट रहिए मेरे साथ।